नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए महिंद्रा यूवो टेक प्लस 415 DI, और ये इसका टू व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, और ये अभी लेटेस्ट 2024 का मॉडल है। तो आगे वीडियो में इस ट्रैक्टर के बारे में हर एक चीज़ बारीकी से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। दोस्तों, लेफ्ट साइड से ट्रैक्टर के पूरे व्यू को देख सकते हैं, यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और ये रहा राइट साइड का फुल व्यू, और फ्रंट में आपको बम्पर मिल जाता है। इसके साथ ही साथ फ्रंट लुक कुछ इस तरह से आता है। और ये रहा इसका रियर प्रोफाइल। सभी यूवो टेक प्लस ट्रैक्टरों की तरह ही इसका भी जॉब बॉनेट है, सामने की ओर ही ओपन होता है। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसका जो ओपनिंग एंगल है काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। और बात करें इसके इंजन का, तो इसमें 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो इंजन असेंबली है और यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये सब काफ़ी नीट एंड क्लियर दिया हुआ है। और इसमें साफ़ सफाई, रेगुलर मेंटेनेंस में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और यहाँ पर आपको सही प्रकार के फ्यूज बॉक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इस पर जो कूलेंट बॉक्स है यहाँ पर दिया हुआ है, और इनटेक के लिए आपको यहाँ पर पाइपलाइन मिल जाता है। इसका जो एयर फिल्टर है, इसमें ड्राई टाइप का एयर फिल्टर मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो पंप है, या इनलाइन पंप दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री होता है। और यहाँ पर आपको डीजल फिल्टर मिल जाएगा, और नीचे में ये भी अरेंजमेंट मिल जाता है, जिससे आप जो पानी बन जाता है उसको ड्रेन कर सकते हैं। और कभी डीजल कम होने या ना होने की वजह से एयर आ जाता है, तो उसको आप इसकी मदद से एयर को यहाँ से निकाल पाएंगे। और इसमें यहाँ सेंटर में आपको फ्यूल कैप दिया हुआ है, और इस ट्रैक्टर में जो फ्यूल टैंक है यह मेटल का दिया हुआ है। इसके अलावा ट्रैक्टर में आपको 6 साल का स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाता है। जो पहला 2 साल है उसमें आपको ओवरऑल ट्रैक्टर में वारंटी मिलेगा, इसके बाद जो 4 साल है उसमें केवल इंजन और गेयरबॉक्स कवर होते हैं। और अगर इसके पावर फिगर को देखें, तो यह ट्रैक्टर 42 HP का पावर, 2000 इंजन रेटेड RPM पर, और लगभग 183 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और महिंद्रा हमेशा से डीजल इंजन बनाने के लिए जाना जाता है, जिस वजह से यह अपने ट्रैक्टरों में HP कैटेगरी के हिसाब से जो ताकत होता है उसको अधिक देने की कोशिश हमेशा करता है। और यह 3 सिलेंडर है, जिस वजह से इसका जो डीजल खपत है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होगा, जिस वजह से किसान भाइयों को इसके डीजल खपत कम होने से लाभ मिलने वाला है। लेफ्ट हैंडर में लेबल प्लेट मिल जाएगा, इसमें मॉडल नेम, मैक्सिमम PTO पावर, SFC सभी चीज़ों को बताया हुआ है। और दोस्तों, इस HP कैटेगरीज के ट्रैक्टर्स के वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके और भी अनेकों ट्रैक्टर्स का वीडियो देख सकते हैं। और आप में से किसी भाइयों के पास अगर यूवो टेक प्लस 415 DI हो, तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपका ट्रैक्टर कितना डीजल खपत करता है, चलने में कैसा है, और कभी कोई ट्रैक्टर से शिकायत तो नहीं आया है, ताकि अन्य किसान भाइयों को सहायता मिल सके। इसमें नॉन एडजस्टेबल टाइप का फ्रंट एक्सल दिया हुआ है, और जो फ्रंट टायर का साइज है या 6016 का मिल जाएगा। और इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए सिंगल फुट स्टेप मिल जाएगा। यहाँ पर मेटल का टूल बॉक्स दिया हुआ है, और जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी नीट एंड क्लियर है। और यहाँ से आप इसके मीटर कंसोल को देख सकते हैं, सेमी डिजिटल टाइप का इसमें मीटर कंसोल दिया हुआ है। और ये रहा इसके पुश टाइप के क्लच पेडल्स। अगर इसके गियर बॉक्स की बात करें, तो इसमें हाई, लो, मीडियम और 1, 2, 3, 4 रिवर्स के साथ में 12 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स गियर मिल जाता है। और जो गियर बॉक्स का टाइप है, ये कॉन्स्टेंट मैच टाइप का दिया हुआ है। और किसान भाइयों, आपका थोड़ा सा समय लेकर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमने ट्रैक्टर कंपेरिजन के लिए आजाद ट्रैक्टर नाम से नया चैनल बनाया हुआ है, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जाकर किसी भी ट्रैक्टर का कंपेरिजन वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारे कंपैरिजन वीडियो पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा इसके PTO को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर लीवर मिल जाएगा, और राइट साइड में आपको ड्राफ्ट कंट्रोल, पोजीशन कंट्रोल दोनों लीवर मिल जाता है। और इसके ब्रेक को लॉक करने के लिए अलग से अरेंजमेंट दिया हुआ है, और इसमें ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। और इसका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा मिलता है, और ये सीट को भी आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। और इसमें डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के लिए आपको टेंडम टाइप का पंप देखने को मिल जाता है, और ये जो पाइपलाइन है कुछ इस तरह से आया हुआ है। और यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर बड़े साइज में मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसके पूरे नीचे के डिज़ाइन को देख सकते हैं। और इस ट्रैक्टर में आपको 400 घंटे का सर्विस इंटरवल मिल जाएगा, और जो पहला सर्विस है आपको 100 घंटे के बाद में कराना होगा। और महिंद्रा ने इसमें काफ़ी अच्छा जो सर्विस इंटरवल है 400 घंटे का दिया हुआ है, जिस वजह से एक बार सर्विस कराने के बाद आप एक सीजन तक बड़े आसानी से ट्रैक्टर को चला सकते हैं। और जब तक पहला सर्विस नहीं होता, तब तक एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब भी आप ट्रैक्टर को चलाएंगे, तो ट्रैक्टर को आइडल कंडीशन में चालू करके नहीं रखना है, और जब चला रहे हैं उस कंडीशन में, जैसे लोड में चला रहे हैं, तो 1900 RPM से अधिक पे नहीं ले जाना है। और जब आप PTO से कुछ उपकरण चला रहे हैं, उस कंडीशन में 1800 RPM से अधिक नहीं चलाना है। ऐसे करने से आपका जो ट्रैक्टर का लाइफ है वो और भी अधिक बढ़ जाएगा।
उसके बाद जब पहला सर्विस हो जाएगा मतलब 100 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप अपने ट्रैक्टर को अपने हिसाब से चला सकते हैं। और महिंद्रा के कोई भी ट्रैक्टर्स परचेस करना हो तो आप अरुण एग्रीकल्चर फुमगांव दुर्ग में आकर अपना मनपसंद महिंद्रा का कोई भी ट्रैक्टर परचेस कर सकते हैं। और इस शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर 9655 खड़ा हुआ है, इसका भी कंप्लीट रिव्यू वीडियो बनाया जा चुका है, इसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और इसका जो रियर एक्शन है ये ईपी साइक्लिक टाइप का मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है 42 HP कैटेगरी के हिसाब से। और यूवो सीरीज़ के सभी ट्रैक्टरों में आपको ईपी साइक्लिक टाइप का एक्सल मिलता है, और इसमें टूट फूट होने का संभावना बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अलावा इसमें सिंगल डीसी वॉल्व मिल जाएगा, इसको आपको 3 लीवर की मदद से चलाना होगा। और इसमें 38.5 HP का 6-speed P2 मिल जाता है, जो कि 45 स्टैंडर्ड P2 के साथ में आता है। और यहाँ पर आप फिशिंग पॉइंट्स को देख सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर पाएंगे। ये जो लोअर आर्म है इसके डिज़ाइन को देख सकते हैं, और इसमें 1700 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। राइट साइड में इंजन ऑयल फिल्टर दिया हुआ है। तो दोस्तों इतना कुछ देखने को मिलता है आपको महिंद्रा यूवो टेक प्लस 415 DI में। और अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।